सभी को नमस्कार। और आज हमारे नए ब्लॉग में ये हमारे भाई साहब है मनोज बोरा, कौन से नंबर पे भेजा तुमने व्हाट्सएप, और इसी बंदा है हमारे छोटे भाई साहब। आज हम जा रहे हैं शादी में और मौसम बारिश का है, अभी बारिश नहीं आई है, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? चौरा बागेश्वर से 16 किलोमीटर आगे। हाँ, बागेश्वर से 16 किलोमीटर आगे शादी में जा रहे हैं। देखिए काफ़ी सुहाना मौसम है। यह है माँ उत्तराखंड ग्राउंड और ये सोमेश्वर वैली का खूबसूरत नज़ारा। और वेट कर रहे हैं बारात आने का, फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए पूरे जंगल में आग लगी। हाँ, कमजी बारिश का ये फायदा हुआ ना। हमारा पूरा काला हो गया, जंगल बचा रहना चाहिए। बाहर मुझे जाओ यार, पिछले साल गए रात को 12-12 बजे। देखिए हम पहुंच चुके हैं गिरिचिना, रात को आपकी लास्ट गाड़ी है। और यहाँ पर एक शॉप है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। हम पहले यहाँ आते थे। ये देखिए पहाड़ी मुर्गियाँ। आज ये शॉप बंद है, शायद कहीं शादी में गए होंगे क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है। ये देखिए यहाँ से व्यू। ये रोड है गिरिछीना वाली, ये बागेश्वर को जाती है। यहाँ से शॉर्ट होता है कौसानी वाली रोड, थोड़ा सा लंबी है। ये देखिए नीचे एक मकान भी बन रहा है वहाँ पे। तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, आज बारिश भी नहीं है, कल काफ़ी ओले पड़े थे। ये देखिए ऊपर भी यहाँ पे घर है और देखिए शायद मुर्गा है। नीचे को ठीक हो गया, धन्यवाद। इधर को यही को हम पहुंच गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चौरा, यहाँ से दो रोड पड़ती हैं, एक ऊपर को जाती है, एक ऊपर को कहाँ को भराड़ी को जाती है। आपस में टकरेगी नल्ला मल्ला चल्ला डांडपुर। और ये देखिए बागेश्वर से थोड़ा सा आगे जगह है बागेश्वर, जो कि उत्तराखंड में एक ज़िला है। तो हम जा रहे हैं वहाँ शादी में। और ये हमारे भाई साहब हैं, आज बारात में हैं। तो यहाँ से एक रोड ऊपर को जाती है चंद्रोला की ओर को,
हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि जो बारात आ रही थी वो दूसरे गांव से आ रही थी और हम दूसरे गांव से आ रहे हैं, तो वो लोग निकल चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर है अभी। और ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे हमारे भाई साहब लुप्त ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वो देख ना, वहाँ आदमी बैल का काम कर रहे हैं। हाँ, वो सामने धान की रोपाई हो रही है वहाँ पे, उसके लिए खेत तैयार कर रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं, दूसरे भाई साहब। और सब ठीक हो रहा है? अभी यहाँ से कितना दूर और है? 4 किलोमीटर। तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बढ़िया सर, बिल्कुल। घूमते घामते इंजॉय करते हैं। चलो बढ़िया, इंजॉय करिए। ये देखिए खेत है नीचे, वो देखिए वहाँ पर एक आदमी है, वो बैल का काम कर रहे हैं, जो बैल करते हैं। उनके पास बैल नहीं होगा, वो खुद ही खींच रहे हैं उसे। ये देखिए, देखिए। और हम पहुंच चुके हैं चौरा, यहाँ पर शादी है नीचे। और दादी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। हाँ, नई जगह आए हैं, पहली बार इस जगह को आए हैं हम। हाँ, और बड़ा अच्छा वो लग रहा है। इधर को ऊपर को बांस का जंगल भी दिख रहा है, इधर खड़िया का खनन भी है, अच्छा है। और बहुत खुली जगह है, खुली जगह है, उपराऊ भी दिख रहा है, तलाव भी दिख रहा है। हाँ, आगे हमने देखा था, वो बताया भी था, वो नहर भी बनी हुई है। हाँ, भी अच्छी भी होता है, अच्छी जगह, अच्छी जगह। और लोगों के मकान भी बन चुके हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे मकान बन चुके हैं, क्योंकि रोड यहाँ पहुँच गई, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी हो जाती है तो वहाँ फिर सब कुछ विकास हो जाता है। धान की रोपाई वाले खेत हैं, अगर गाँव हो चाहे तलाव हो, रोड की कनेक्टिविटी और संचार व्यवस्था स्वास्थ्य जहाँ हो जाए तो फिर पलायन स्वतः ही रुक जाता है। इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि पलायन जो है कम है, जो भी है, मतलब रोड किनारे आ चुके हैं लोग, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे मकान भी बने हुए हैं, और अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, फिर आगे शादी में चलते हैं अब। हाँ, फिर वहाँ का दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बारात में खाने का मजा लेते हुए भाई साहब, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। दाजू खाना कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। देखो सब्जी है, नमक अमक सब ठीक है? नमक वगैरह बड़े हो, बहुत चलो। और यहाँ पर यहाँ से मज़ा आ गया खाने का। रायता खाया नहीं था आपने? रायता भी खाया, देखो बहुत अच्छा बना था, पहाड़ी तरह से। थैंक यू, वेलकम। यहाँ पे रसोई है, देखो पापड़ बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं यहाँ पे। और सामने टेंट लगा हुआ है। और ये नज़ारा है, और ये देखिए यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है अभी। ये देखिए, और यहाँ पर दहेज जो होता है जमा होता है ना, वहाँ यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए गांव वाले टीका लेके आते हैं और यहाँ पर इनको टीका लगता है। Yeah।
बारिश भी आ रही है। हाँ, बूंदाबांदी भी होने लगी थोड़ी थोड़ी। सुहाना मौसम अभी तक। और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। ये देखिए, अब शादी होगी, जयमाल हो चुकी है। ये देखिए, पपीते लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ का जो क्लाइमेट है अच्छा है पपीते के लिए, और केले भी होते हैं यहाँ पे, आम भी होते हैं। ये देखिए, और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर।
ये देखिए, और दादी चाय कैसी लगी आपको यहाँ की? हाँ थोड़ा मीठी थी ना, पहाड़ी चाय ऐसी होती थी मीठी होती। और देखिए हम बारात से आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम रुके हुए गिरिचना में। इसकी सिंगर और अब हम निकल चुके हैं सोमेश्वर की। और देखिए और यहाँ पर राहुल बैठा है, राहुल राहुल हेलो कर। और ये मनोज भाई, और ये भाई साहब हैं, ये पुष्ली दीदी, पुष्पा दीदी, सोनू भाई,